ये बड़ी खबर हम आपको आजमगढ़ जिले से दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि थाना अध्यक्ष दीदारगंज धर्मेंद्र कुमार सिंह व उप निरीक्षक जावेद अख्तर पुलिस टीम के साथ ग्राम हुब्बीगंज में मौजूद थे कि एक मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्ति आ रहे थे। पुलिस की नीली बत्ती को देखकर नेवादा मोड़ पर मुड़े, तभी मोटरसाइकिल से लड़खड़ाए और पीछे बैठे व्यक्ति ने मौजूदा पुलिस पर जान से मारने के लिए फायर कर खेत की तरफ भागने लगे। पुलिस ने दौड़ाकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और फायर करने वाला व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ की गई तो फायर करने वाले व्यक्ति का नाम श्याम बच्चन उर्फ अंतु अरारा थाना फूलपुर और अपना नाम श्रीकांत राम पुत्र कमलेश राम मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह आजमगढ़ बताया। अभियुक्त के निशानदेही पर 5 चोरी की मोटरसाइकिल, एक देसी तमंचा व कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त पर विभिन्न थानों में आधे दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्त श्रीकांत राम पर पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह द्वारा अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम घोषित था, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अंतु जो कि एक शातिर बदमाश है और 50,000 रुपए का इनामी बदमाश है, ये दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और इसे गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष दीदारगंज उनकी टीम और प्रभारी स्वेट टीम ब्रजेश सिंह और उनकी टीम ये शामिल रहे। और ये पहले भी एक छात्र बदमाश है, ये पहले भी पुलिस मुठभेड़ में वांटेड चल रहा था और उससे पहले भी एक और पुलिस मुठभेड़ में ये गिरफ्तार हुआ था। और छात्र बदमाश है, इसके जो साथी गिरफ्तार हुआ था उसके पास से 5 मोटरसाइकिल मिली थी और ये उसमें फरार हो गया था। तो आज इसकी गिरफ्तारी हुई है। इस गिरफ्तारी से निश्चित रूप से जो योजना बना रहा था ये और क्राइम करने की, उस पर लगाम लगी। किस तरीके का काम करता था, कितने दिन करता था ये? देखिए, सब तरह का काम करता था। अभी ये प्लान कर रहा था एक और मर्डर करने की दूसरे जनपद में, और इससे पहले मोटर चोरी के केस में ये था जिसमें वांटेड था, पुलिस मुठभेड़ में वांटेड था। चोरी का काम भी क्या करता, हर तरह का जो काम भी इसे मिल जाता था वो काम ये क्या करता था। बहुत ही शातिर बदमाश है।